इस देश की गरीबी, एक तरफ लोग हजारों करोड़ शादियों में खर्च करते हैं और इस देश की गरीबी की 500 और हजार के लिए हमारे सफाई कर्मचारी आपके अपनी घर जान की देते। सेप्टिक टैंक साफ करते हैं। एक दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पलट रही थी और उसमें न्यूज़ पढ़ी कि 20 दिन का बच्चा है एक माँ के पास और उसके पति की मृत्यु हो गई सेप्टिक टैंक साफ करते हुए। हम दोनों माँ बेटी गए उस झोपड़पट्टी में जहाँ पे ये औरतें रहती थी और वो 20 दिन का बच्चा लेटा हुआ था। बोली मेरे पति को बहुत शौक था कि जिस दिन उसका बेटा 40 दिन का होगा वो सबको नॉनवेज खिलाएगा, पार्टी करेगा। और वो लेबरर था लेकिन वो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा के लिए वो सफाई सेप्टिक टैंक में वो चल चला गया। गया। तो वो गरीबी जो मैंने देखी, तो हमने और हमारी बेटी ने तय किया कि इनका केस हम फ्री में लड़ेंगे। जब मैंने पहली आरटीआई करी बीएमसी में कि कितने सफाई कर्मचारी हैं जो सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, उनकी कितने की डेथ हुई है, तो मुझे बीएमसी से रिप्लाई मिला कि कोई भी डेथ नहीं हुई है। कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो वो पत्थर बहुत तबीयत से उछालते हैं और जीत भी जाते हैं। अब एक नाम हमारे सामने आता है, एडवोकेट आभा सिंह। इनके नाम से मुंबई हाईकोर्ट में लोग दहल जाते हैं। कारण है, सच के लिए लड़ती हैं। और सच के लिए क्यों लड़ती हैं? क्योंकि इन्होंने अपने बचपन से ही वही संस्कार पाए हैं। अगर इन्हें अपने जीवन में शिक्षा लेनी थी तो छोटी मोटी शिक्षा नहीं लेनी है, हमें तो सिविल सर्वेंट बनना है और सिविल सर्वेंट भी बनना है। उसके बाद में भी अगर कहीं कोई मौका मिल जाए तो दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है। पैसा नहीं मिलता कभी कभी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए अगर ज़रूरत है तो अपना पूरा समय, अपना पूरा ज्ञान, अपना सब कुछ दे देना है। एक ऐसा नाम एडवोकेट आभा सिंह का है। तो चलिए आज के पॉडकास्ट में, मेरी सहेली के इस प्यारे से पॉडकास्ट में हम उस चर्चा पर चलते हैं जहां पर बैठी है हमारे सामने एडवोकेट आभा सिंह जी, और हम उनसे आज जानेंगे बहुत सारी बातें जो आपके काम की हैं, मेरे काम की हैं, हम सबके काम की हैं। साथ में एक बहुत ही ज़्यादा प्रेरणास्पद, बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी कहानी जो किसी को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगी। चलिए चलते हैं हम एडवोकेट आभा सिंह जी की तरफ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपने इतनी प्यारी बातें बोल दी कि मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं है। वकील शब्द से खेलता है, आपके शब्द तो और भी खूबसूरत है। स्वागत है मैडम आपका मेरी सहेली पत्रिका के पॉडकास्ट में। जी थैंक यू सो मच। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे तो ये तो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है हर महिलाओं की कमजोरी होती नहीं, है। वैसे मैं इस पॉडकास्ट में ही कह सकती हूँ, आभा की आभा चमक रही है बहुत खूबसूरती के साथ। ये तो आपने बहुत सही बात बोली। मेरी माँ ने नाम भी आभा इसीलिए रखा था, बोली मैंने बहुत सोच के आभा नाम रखा है क्योंकि आभा होती है सूर्य की पहली किरण, जी और बोली तुम अपनी आभा हमेशा बिखेरती रहना। क्या बात है। और ये आभा अपने अपने जीवन में बहुत सारी जगह बिखेरी है। सबसे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि वो एक लड़की जिसने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी पढ़ाई की, सिविल सर्वेंट बन गई और उसके बाद वो लॉयर बन गई, ये कहानी थोड़ी सी अगर हमारे दर्शकों को पता पड़े तो बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से कोई एक बच्चा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, आपकी लाइफ से इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकता है। बिल्कुल। मैं तो एक ही लाइन अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, जब जागो तो सवेरा। तो आप आईएएस की नौकरी कर रहे थे, बहुत अच्छे से करी, वकील बन गए और अच्छे से कर रहे हैं, आगे क्या बनते हैं वो और अच्छे से करेंगे। लेकिन जब आप कहती एक आभा की कहानी, तो मेरा मन जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में एक ठाकुर परिवार में। तो आप समझ सकती हैं जहाँ पे पर्दा था, घूंघट था। मेरी माँ जो 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया था उन्होंने, एंशियंट हिस्ट्री वन 1961 में एमए। एमए, और कह बताती थी कि अपने गांव से वो पहली लड़की थी जो शहर में आई थी पढ़ने के लिए, और नानी हमारी गांव में रहती थी, नाना बच्चों को लेके शहर में रहते थे। और माँ कहती थी वो क्लास 4 से साड़ी पहन के कॉन्वेंट में जाती थी पढ़ने, क्योंकि उस वक्त लड़कियां साड़ी पहनती थी, चौथी कक्षा की लड़की हाँ साड़ी पहन साड़ी पहन के जाती थी। बट कहती थी मुझे लगन थी कि मैं पढ़ूंगी। और माँ एमए करी, शादी हुई, वो एग्जाम देना चाहती थी आईएएस पीसीएस का, उनके दोनों भाई आईएएस में थे, लेकिन पिताजी को था कि तुम नौकरी करोगी,
मतलब पहले होता था कि लड़कियां नौकरी करती थी तो समाज में उनके घर वालों की इज्जत घटती थी, इज्जत घट जाती। तो माँ ने उस दिन अपने से ये प्रतिज्ञा की थी कि मैंने नौकरी नहीं की, मेरा शौक नहीं पूरा हुआ, मैं अपनी बेटियों को इतना समर्थ बनाऊंगी कि मेरी बेटियां अफसर बनेंगी, आईएएस अफसर बनेंगी। और वही माँ की सीख थी, पढ़ाई थी और संस्कार थे कि मैं और मेरी छोटी बहन, वो भी इस वक्त प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स है, तो हम दोनों बहनों ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। लोग कहते हैं कि कई बार खुद भी अपने लिए सपने देखते हैं, सारी दुनिया हमारे लिए सपने देखती है, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मेरी माँ ने मेरे लिए कोई सपना देखा है तो वो पक्का से पूरा होगा, इस बात की गारंटी 100% होती है। तो ये बात आपके जीवन में बहुत अच्छे से घटित हुई है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जो आपके जीवन में घटनाएं घटी हैं और आपने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, उन सारे कामों में से अब कुछ चीज़ें ऐसी निकाली जाएं जो हमारे दर्शकों के काम आ जाए। सबसे पहला प्रश्न जिसके लिए आभा सिंह जी को जाना जाता है, वो प्रश्न ये है कि वुमन एम्पावरमेंट, इसके लिए आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, औरतों के लिए आप बहुत मेहनत करी है। और मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, आप केवल औरतों के लिए नहीं, आप पुरुषों के लिए भी लड़ी है। तो जी औरतों के लिए ज़्यादा लड़ी हूँ जी, तो वो थोड़ा सा नेचुरली बन जाता है कि आप औरतों के लिए ज़्यादा लड़े हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और लड़ना स्वाभाविक है उनके लिए। पर आपने महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे केसेस आपके सामने आते होंगे, बहुत सारे केसेस को आप डील करती होंगी, कुछ अगर इसके बारे में आप बता सके तो। अभी देखिए, सबसे बड़ा केस जो मैं अभी लड़ रही हूँ और जो महाराष्ट्र जैसे स्टेट में पहली बार मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हमारे यहाँ सेप्टिक टैंक क्लीन करते हैं उनकी विधवाओं को कॉम्पेंसेशन दिया गया। जब मैंने पहली आरटीआई करी बीएमसी में कि कितने सफाई कर्मचारी हैं जो सेप्टिक टैंक साफ करते हैं, उनकी कितने की डेथ हुई है, तो मुझे बीएमसी से रिप्लाई मिला कि कोई भी डेथ नहीं हुई है। अच्छा। और जबकि आप हमेशा पेपर में पढ़ते होंगे कि दो कर्मचारी तीन कर्मचारी सेप्टिक टैंक साफ करते हुए डेथ हुई, तो मेरे पास आरटीआई ये रिप्लाई आया था। एक दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पलट रही थी और उसमें न्यूज़ पढ़ी कि 20 दिन का बच्चा है एक माँ के पास और उसके पति की मृत्यु हो गई सेप्टिक टैंक साफ करते हुए, और ये मृत्यु हुई चेंबूर जैसे हाई सोसाइटी एरिया में, बड़ी सोसाइटी में। तो मैंने पढ़ा, मेरी बेटी भी उस वक्त मेरे साथ वकालत कर रही थी, हम दोनों माँ बेटी गए उस झोपड़पट्टी में जहाँ पे ये औरतें रहती थी, और वो 20 दिन का बच्चा लेटा हुआ था। और मैंने उस माँ से पूछा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति की ऐसे मृत्यु हो गई? बोली मेरे पति को बहुत शौक था कि जिस दिन उसका बेटा 40 दिन का होगा वो सबको नॉनवेज खिलाएगा, पार्टी करेगा। हाँ। और वो लेबरर था, लेकिन वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा के लिए वो सफाई सेप्टिक टैंक में वो चला गया। तो वो गरीबी जो मैंने देखी। हाँ। तो हमने और हमारी बेटी ने तय किया कि इनका केस हम फ्री में लड़ेंगे और इनके लिए हम रिट करेंगे। और हमने केस हाई कोर्ट में लड़ा, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में केस डाला। जब बीएमसी के लोग आए और मैंने आरटीआई जज को दिखाया कि ये कहते हैं कि कोई भी मृत्यु नहीं हुई है, तो ये जो तीन विधवाएं हैं और वो जब विडोज खड़ी हुई हाई कोर्ट में, कोर्ट भौचक्का था। हाँ। और लोग भौचक्के थे कि तीन विधवाएं खड़ी हैं और उनके पति 500 और 1000 रुपए के लिए जान गंवा चुके, और वो विधवाएं बहुत गरीब, बहुत गरीब, उनके पास पैसा नहीं था कि वो हाईकोर्ट भी आ सके। मैं उनको टैक्सी का किराया भी देती थी, और फिर मैंने कुछ एनजीओ से बोला, मैंने कहा आप उनकी मदद करेंगे, वो लोग भी सामने आए। और तब बीएमसी ने क्या जवाब दिया, बोले हम आउटसोर्स करते हैं सफाई। तो मैंने कोर्ट से कहा कि हम डेथ आउटसोर्स नहीं कर सकते। आज जो बीएमसी 57,000 करोड़ का बजट रखती है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है जी। और हाई कोर्ट ने उस वक्त, हाई कोर्ट नाराज हुआ, और मेरी बेटी ईशा सिंह उस वक्त आर्ग्यू कर रही थी, कोर्ट ने कहा आप इनके पैसे अभी लेकर आइए। और जब वो विधवाएं कोर्ट के बाहर निकली तो उस एरिया का तहसीलदार सबसे पहले 1.25 लाख का चेक लेके खड़ा था, अगली हियरिंग में 10-10 लाख तीनों विधवाओं को दिए गए। क्या बात है मैडम। तो ये केस आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस देश की गरीबी, एक तरफ लोग 1000 करोड़ शादियों में खर्च करते हैं। हाँ। और इस देश की गरीबी की 500 और 1000 के लिए हमारे सफाई कर्मचारी आपके घर के सेप्टिक टैंक साफ करते हैं। तो ये विधवाओं का 10 लाख तो मैंने दिलवाया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 10 नहीं 30 लाख मिलना चाहिए। तो मैंने दोबारा एप्लीकेशन डाली,
तो ये केस मुझे लगता है और इसलिए और ज़रूरी है कि पिछले 25 साल में एक भी सफाई कर्मचारी की विधवा को महाराष्ट्र शासन ने 10 लाख कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, आज तक नहीं दिया गया था, तो ये पहली बार दिया गया। ये केस मुझे लगता है आज मेरे पास बिहार से, केरला से, कहाँ कहाँ से विधवाएं फ़ोन करती हैं। अभी मैंने औरंगाबाद कोर्ट में एक केस डाला है, वहाँ भी इसी तरह का केस हुआ है जी। ये तो विधवाओं के लिए मैंने एक वेबसाइट भी बना दी है, आस्क असिस्टेंस फॉर सफाई कर्मचारीज। ओके, तो उस पर कोई भी इंडिया में हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये तो इस तरह का केस हुआ। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं जी। कोविड में कहाँ कहाँ से बच्चियाँ मुझे फ़ोन करती थी, औरतें करती थी कि हमारे को हस्बैंड पीट रहे हैं, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब बंद था। बंद था, तब मैं घर में बैठ के रोज उस एरिया के प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर ढूंढती थी कि मैं कैसे इनकी सहायता कर सकूं। जी जी, तो मैं तो कहूँगी कि मैंने सरकारी नौकरी इसीलिए छोड़ी कि मैं जो हूँ वॉइसलेस, जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनकी आवाज़ बन सकूँ। उनकी आवाज़ आप बन सके, नहीं आप बन चुकी हैं। पॉडकास्ट के इतिहास में पहली बार हुआ होगा ये चीज़ कि कोई किसी के लिए तालियां बजा रहा है, और आपके उस केस के लिए जो आपने विधवाओं की रक्षा की है, सीरियसली उन्हें सच में जरूरत है। वो जहाँ रह रही हैं उस बस्ती से हम पैदल नहीं निकल सकते, और वो वहाँ रह रही हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा काम उनके लिए किया। नहीं, और कर रही हूँ। मुझे जो है ना, तो मैं आज मैं सोचती हूँ तो मैं एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती, मैंने रॉ की नौकरी छोड़ी, शायद डायरेक्टर रॉ होती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ज़मीन पे चलने वाली आम आदमी हूँ जो न्याय के लिए, आवाज़ के लिए लड़ता है। और मैं बहुत अपने को खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें ले सकती हूँ, कि मुझे अगर पता चल गया कि अन्याय हो रहा है तो मैं अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ बन सकती हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। आपकी आंखों के आंसू इस बात का जिक्र बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सो थैंक यू आभा सिंह जी। अब मेरा एक, देखिए मैं आपकी बातों के साथ ऐसी फ्लो में जा रही हूँ कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप एक लॉयर हैं और हमें कई सारी महिलाएं, कई सारे पुरुष सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं अभी। मेरा प्रश्न ये है कि एक बहुत अच्छा शब्द आता है, वुमन एम्पावरमेंट, सच में हुई है? देखिए हुई है, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो यही भारत का इतिहास है जब सती हो जाती थी महिलाएं। हाँ। आप देखिए यही है कि मतलब चाइल्ड मैरिज होती थी, आज भी चाइल्ड मैरिज होती है। इसलिए शायद कानून लाए गए और कड़क कानून लाए गए। लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि दुरुपयोग महिलाएं नहीं कर रही हैं, वो पुलिस कर रही है पैसा लेके। क्योंकि अगर महिला कहती है कि मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, अगर शादी के 20 साल बाद वो कहती है कि दहेज मांगा जा रहा है, 498A में वो FIR करती है, जी जी, तो वो पुलिस अफसर का काम नहीं है कि आप इंक्वायरी करिए? जी जी। तो कितनी बार ये पुलिस अधिकारी ही उनको सिखा देते हैं कि तुम कर दो केस, हम इनको अंदर कर देंगे। जी जी। उनको दोनों तरफ से पैसा मिलता है जी। तो ये जरूर है, लेकिन एम्पावरमेंट के नाम पे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आज महिला जो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होता है, जहां वो शादी के बाद रहती है, उसमें से उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये बहुत अच्छी चीज। देखिए, रेजिडेंस की ऑर्डर आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देता है, प्रोटेक्शन की ऑर्डर देता है। यहाँ तक मैंने जो है खुद विवाहित महिलाओं को उनके हस्बैंड के घर में, इन लॉज के घर में उनका कमरा प्रोटेक्ट करके दिया है। मतलब कि घर ऐसे डिवाइड हुआ है कि एक पोर्शन में वाइफ रहती है, हस्बैंड उधर नहीं जाएगा, हस्बैंड के पोर्शन में वाइफ नहीं जाएगी। बट महिलाओं को जो ये कानून है इतना अधिकार देता है कि वो उससे उठा के जी सके। बहुत अच्छी बात है। और बच्चों के खर्चे देने हैं, स्कूल फीस देना है, तो हर चीज़ ये डोमेस्टिक वायलेंस में दिया हुआ है। लेकिन ये एक सिविल एक्ट है, तो इसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्शंस मिलते हैं, प्रोटेक्शन मिलता है, घर में रहने को मिलता है, आपको गुजारा भत्ता मिलता है। लेकिन अगर आपको क्रिमिनल केस करना है, जो मुझे लगता है इसलिए लाया गया क्योंकि आज भी 24 घंटे में 23 महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं डाउरी डेथ से मरती हैं, मतलब जलाई जाती हैं। लोगों को लगता है कि बंद हो गया, NCP के आंकड़े कहते हैं हर साल 3000 महिलाएं शादीशुदा अपने किचन में जल के मरती हैं। और जब मैंने इस पे रिसर्च करी तो मैंने पाया पूरे विश्व में कहीं भी FIR में नहीं लिखा होता है कॉज ऑफ डेथ किचन फायर, सिर्फ इंडिया में किचन फायर में
वो भी मैरिड औरत मरती है, अनमैरिड नहीं मरती. तो सो दिस इज इम्पॉर्टेंट जो 498A का कानून लाया गया, जिसका आजकल बहुत लोग कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि 498A इसलिए लाया गया कि वो बच्चियों को हम जलने से बचा सके, उन बच्चियों को, विवाहित महिलाओं को सुसाइड करने से बचा सके. जी जी. अब कुछ पढ़े लिखे लोग अगर उसका मिसयूज कर रहे हैं तो वो कानून को हम बुरा नहीं बोल सकते जी. लेकिन ये काम एजेंसीज का है कि आप उसका मिसयूज ना होने दीजिए, ना होने दीजिए. 498A के बारे में बात चल रही है, तो जैसे हम लोग कई बार मंचों पे होते हैं और बात चल रही होती है तो पति पत्नी के जोक्स बड़े बनते हैं, और उसमें हमेशा पति को बड़ा बेचारा दिखा के उस कहानी को, उस जोक को सुनाया जाता है. तो ये बात तो कहीं ना कहीं ऐसी आती है. और हालांकि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो पुरुष अपनी पत्नी को प्यार करता है वो उससे डरता है, और जो स्त्री अपने पति को प्यार करती है वो उससे बिल्कुल नहीं डरती. एक ये क्लॉज कहीं ना कहीं आया था, और ये बड़ी अच्छी कहानी भी, बड़ी अच्छी स्वीट सी स्टोरी भी है. अब यहाँ पे एक बात, आपने 498A के गलत उपयोग या दुरुपयोग की बात कही, तो ऐसा तो कहीं कई बार सुनने में आया है कि कई पुरुष कहते हैं कि अरे हमारे लिए भी सोसाइटी बननी चाहिए, हमारे लिए भी कोई लड़ना चाहिए. सीरियस क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा सच में हो रहा है? किसी के साथ ऐसा हुआ है जो आपकी नज़र में है? किसी पुरुष के साथ या उसके परिवार के साथ क्या सच में गलत हुआ है? बिल्कुल हुआ है. अभी मैं कहूँगी कि लास्ट मंथ ही मैंने एक FIR क्वॉश कराई बॉम्बे हाई कोर्ट से. अच्छा. जिसमें 498A में 11 लोगों के अगेंस्ट FIR की गई थी, और उस 11 लोगों में वो जो मैरिड वुमन थी उसका हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, 4 सिस्टर इन लॉज, मैरिड सिस्टर इन लॉज एंड उनके 4 हस्बैंड्स. तो टोटल 11 लोगों पे FIR करा जाना, जबकि उसमें वो सिस्टर इन लॉज साथ भी नहीं रहती थी, अलग रहती थी, मैरिड थी, और जो FIR थी उसमें एक दो ब्रदर इन लॉज के नाम भी नहीं लिखे थे, क्योंकि उस लड़की को नाम भी नहीं मालूम थे. उसके बावजूद FIR की गई, FIR की गई. और जब मैंने कोर्ट में आर्ग्यू किया तो मैंने जज को यही दिखाया कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो चुका है, हर चीज वो लेके जा चुकी है, और लेकिन उसके बावजूद ये जो FIR थी ये छुपाई गई, कंसेंट टर्म्स में बताया नहीं गया, और आज 2015 की FIR 2024 में जाके क्वॉश होती है. मैंने जज के सामने यही कहा कि मैंने कहा उसके फादर इन लॉ 77 ईयर्स के हैं और वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में शांति से जाना चाहते हैं, 9 साल से वो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने एक पैसा दहेज नहीं मांगा था, हस्बैंड वाइफ दोनों इंडिपेंडेंट अलग रहते थे. तो अच्छा, वो सास ससुर के साथ रहते भी नहीं थे. और जो FIR में इंसिडेंट दिखाए गए थे वो FIR दर्ज हुई 2013 में, और इंसिडेंट दिखाए गए थे 2008-09 के. तो मैंने कहा 7 साल से ये लड़की क्या कर रही थी इसको. तो कोर्ट ने भी माना, और मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498A को अगर सही ढंग से नहीं हैंडल किया गया तो ये लीगल टेररिज्म बन जाएगा. तो ये हाई कोर्ट के शब्द है, हाई कोर्ट जज के शब्द है जो कहता है कि 498A विल बिकम लीगल टेररिज्म. हाँ, तो बिल्कुल सही है. तो मैं चाहूंगी कि जो कानून बने हैं, जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, उनको महिलाएं कृपा करके दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस हैं, फिर आपको न्याय उन जेन्युइन केसेस में नहीं मिलेगा. ये जो पुरुष समाज है वो वही एक एग्जांपल देके आपके अधिकारों को वंचित करने की कोशिश करेगा, और इससे सचमुच में जो विक्टिम है, जो बेचारी महिला है, वो इस कारण से कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल पड़ जाएगी. थोड़े से लालच के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, लालच के लिए या बदले की भाव में. पति पत्नी में आप प्रेम की बात कर रही थी, लेकिन जब पति पत्नी लड़ते हैं तो उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता. पत्नी चाहती है कि सास को भी जेल में भेज दे, नंद को भी भेज दे, देवर को भी भेज दे, और पति क्या करता है, पति अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर देगा, अपने भाई के नाम कर देगा, नौकरी छोड़ देगा ताकि पत्नी को गुजारा भत्ता ना देना पड़े, पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े. तो दोनों उसी तरह से लड़ते हैं, बाद में चाहे वो कितना भी परेशान होते रहे पर अभी एक सर्टेन टाइम के लिए. मतलब ये भी मैं हैरान होती है कि हस्बैंड बच्चों की फीस नहीं देना चाहता क्योंकि वो वाइफ को टॉर्चर करना चाहता है, नौकरी छोड़ देगा, अनएम्प्लॉयड बैठ जाएगा, कोर्ट से कहेगा कि मैं तो नौकरी नहीं करता. तब हम कोर्ट से कहते हैं नहीं माय लॉर्ड, इतने सालों से नौकरी कर रहा था, सिर्फ मेंटेनेंस ना देना हो इसलिए नौकरी छोड़ दी. तो ऐसे भी होता है.
और बट जेन्युइन केसेस भी होते हैं वेयर एडल्ट्री जैसे पहले कानून था, जी आदमी जो है कितने भी अफेयर चला ले हाँ, और पत्नी चुपचाप सहती चुपचाप रहे, सहती रहे वो तो जी. जब पत्नियों ने डिमांड किया कि अगर पुरुष एडल्ट्री का गुनाह केस कर सकता है तो हमको भी दिया जाए, तो जी. तुरंत कोर्ट ने कहा कि नहीं, एडल्ट्री का कानून ही हम खत्म कर देते हैं. तो महिलाओं को अभी भी बहुत जगह अधिकार बराबर नहीं मिला है. जी और ये भी जो लॉ का मिसयूज है, ये मैंने अपने जीवन में जो एज अ लॉयर देखा है कि ये पढ़ी लिखी या सिटी में होता है, गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हमारा भारत रहता है जी वहां आज भी माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी डोली आई है तो अर्थी ही जाए. अर्थी तो जी जी वो औरतें गांव में मार भी खाती हैं, खाना भी बनाती हैं, बाद में खाती हैं. तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी महिलाएं जो हैं उनको न डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में मालूम है, न 498A के बारे में मालूम है. मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ महिलाएं हैं जो अभी भी या तो कहें वो प्यार से रह रही हैं, ऐसा नहीं है कि गांव में रहने वाली हर महिला इन परेशानियों से जूझ रही है, वो बहुत प्रेम से भी रह रही है, अपने सर पे हल्का सा पल्ला रखती है और चुपचाप चूल्हे में और रोटी बनाती है, खुश रहती है अपने उस परिवार में, अपनी उस छोटी सी दुनिया में, या फिर कहीं कोई महिला इन परेशानियों को सह भी रही है. तो अगर अपन 498A का दुरुपयोग करते हैं तो शायद वहाँ रहने वाली किसी महिला को और परेशानी हो सकती है, तो शायद हमें भी इस चीज़ से सुरक्षित हो जाना चाहिए. बिल्कुल, कानून का दुरुपयोग तो कतई नहीं करना चाहिए. जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही है आपसे कि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि आप आके एकदम नारी मुक्ति मोर्चा खोलने वाली हैं, लेकिन वो नारी मुक्ति मोर्चा नहीं, यहाँ पे पुरुष मुक्ति मोर्चा भी खुला हुआ है. दोनों तरफ की बैलेंस बात, जैसा हमारा कानून का तराजू है बस उसी तरह से आप बात कर रही हैं. इसी तराजू में एक प्रश्न और मेरे मन में आता है कि जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, वो आज भी काम कर रही हैं, कंपनीज में काम कर रही हैं, गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे कर रही हैं वहाँ पे तो चलो जो पुरुष को मिलेगा वो महिला को मिलेगा, लेकिन कई जगह मेरे खुद के अपने दोस्त हैं जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या कहीं और काम करते हैं, कॉरपोरेट्स में काम करते हैं, कहीं ना कहीं सैलरी में या कहीं ना कहीं पोजीशन में या कहीं ना कहीं बातों में कि हाँ ये लड़की है ये थोड़ी कर पाएगी, तुम कर लो, ये सारी बातें आती हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो आप बात कर रही हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जी तो हमारे यहाँ कानून तो कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, जी और संविधान तो यहाँ तक कहता है कि आर्टिकल 15 सबसेक्शन 3 कहता है कि पॉजिटिव चीज़ें महिलाओं और बच्चों के लिए की जा सकती है, विच वी कॉल कॉल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. जी लेकिन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में प्राइवेट सेक्टर में ये कह दिया गया, जो लिखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू, तो आपने जो वैल्यू वर्ड लगा दिया उसको आप कैसे आंकेंगे? क्लॉज हाँ, तो आपने ये कर दिया कि नहीं उसको उसका, चाहे वो उसका हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है तो उसके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, वो 10 कंपनीज में काम करके आए, तो आपने सब्जेक्टिव बना दिया. और सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस भी हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो है फाइनेंशियल जो कॉम्पेंसेशन है इसमें कोर्ट्स को ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेट द कॉर्पोरेट टेक देयर ओन डिसीजन, क्योंकि वैल्यू वर्ड से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है. लेकिन सरकार में ये खूबसूरती है कि सबको बराबर नौकरी तनख्वाह मिलती है, अगर आप IAS हैं, हाँ, बैंक में हैं, जो हाँ, भी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सरकार में है, प्राइवेट में नहीं है. मैंने अभी इसमें जब आप बात कर रही थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तो मुझे और एक चीज याद आई, जी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. ये प्रश्न तो ये देखिए बहुत ना इंपॉर्टेंट है. हाँ, जी प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, उनके पास रूल होता है हायर एंड फायर, हाँ, आप एक महीने की नोटिस पे टर्मिनेट कर सकते यस, हैं, लेकिन सरकार में आप एक बार नौकरी में आ गए तो आपको 33 साल 35 साल कोई छू नहीं सकता जब तक आप एज ऑफ रिटायरमेंट तक नहीं पहुंचे. तो अभी मैंने एक PIL फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहाँ पे जैसे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, तो ICC में भी महिलाएं बैठती हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ कंप्लेन आई है, तो उसमें या तो तीनों महिला हो सकती है, NGO की एक महिला होगी. तो प्राइवेट सेक्टर में इशू क्या आया कि, और आज मैं चाहूंगी कि आपके दर्शक इसमें ध्यान दें क्योंकि ये केस अब मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, अच्छा, और मैं चाहूंगी पूरा देश इसके लिए खड़ा हो, अच्छा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंप्लेन्स आई और तो जो इंटरनल कंप्लेन्स कमिटी बनी उसमें जो महिलाएं बैठती हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर में उनकी नौकरी की ही कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल वो हटा दी जाएंगी अगर वो बहुत बोल्ड होंगी या बहुत ऐसे डिसीजन लेंगी. तो मेरे पास एक महिला आई जो ब्लू चिप कंपनी में काम करती थी, 17 साल से काम कर रही थी, और वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन थी. तो अब वो चेयरपर्सन है,
उसके सामने 3-4 महिलाएं आई जिन्होंने कहा कि ये फला एग्जीक्यूटिव हेड जो है हमारे साथ सेक्सुअली हैरेस करता है, हमको हमसे सेक्सुअल फेवर्स मांगता है। तो उन्होंने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करके उन्होंने उन लड़कियों की बात में सच्चाई पाई और ये पाया कि वो पुरुष दोषी है जी। तो ये चेयरमैन थी, इन्होंने उसको टर्मिनेट करने का सजेशन दे दिया। अब वो जो एग्जीक्यूटिव हेड था वो टर्मिनेट हो गया, लेकिन वो जो कहते हैं ना कोजी मेंस क्लब होता है, मतलब वो जो बॉस, उनको पसंद नहीं आया कि ये लेडी ऐसा रिपोर्ट इसने क्यों दिया। हाउ कैन शी टेक डिसीजन, हाउ कैन शी टेक अ डिसीजन व्हिच हैज गॉन अगेंस्ट माय सीनियर एग्जीक्यूटिव। उस महिला को जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन थी, 1 महीने बाद उसको टर्मिनेट कर दिया इन्होंने। तब ये मामला आया, वो मेरे पास आई, उसकी जुड़वा बेटियां थी जो मेरी बेटी किस क्लास में पढ़ती थी, तो उसने कहा, तो मेरी बेटी ने कहा माँ तुम ये केस ले लोगी, वो तो नौकरी चली गई है लेकिन वो फीस नहीं दे पाएगी। मैंने कहा मुझे फीस के लिए तो मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा, मैं तो सिर्फ अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हूँ या लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो ये केस हमने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में डाला जी, और तब जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, ये हाईकोर्ट के पास पावर नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि जब आपने लाया ये कानून सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस और आपने अगर किसी को चेयरमैन बनाया तो आप उसकी नौकरी भी तो गारंटी करिए, वो चेयरमैन ही हायर एंड फायर में अगर निकल जाएगी तो दैट मींस ये पूरा कानून फेल है। आज इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं और वो चुप रहती हैं, क्योंकि जो महिला नौकरी करने आती है वो मजबूरी में आती है। बिल्कुल, शौक से तो कुछ लोग आते होंगे, आधे लोगों पे आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं जिसके लिए वो नौकरी करते हैं। 90% महिलाओं पे आर्थिक जिम्मेदारी। तो मेरे पास कितनी बैंक की महिलाएं आई और बोली हमारे साथ इस तरह का होता है कि, मतलब मैं तो शेयर करना चाहूंगी, वो बोली कि बैंक मैनेजर ने जो सीसीटीवी कैमरा है ना वो टॉयलेट के दरवाजे पे लगा दिया है कि हम निकलेंगे जाएंगे तो वो देखता है। तो बट अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हमारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाता है जो हमारे घर से दूर हो, ऐसे शहर में कर दिया जाता है जहां से हम घर नहीं आ सके। सरकारी बैंक की भी बात कर, यस, मतलब महिलाएं कहने के लिए कानून आ गया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, लेकिन अगर आपने इसमें केस किया तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और मैंने खुद 10 साल के वकालत के करियर में देखा है कि जो वे महिलाएं करती हैं या तो वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं या नौकरी से निकाल दी जाती हैं या उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो खुद ही वीआरएस ले लेती हैं। तो इसके लिए महिलाओं को कुछ कर सकते हैं या महिलाएं क्या कर रही हैं इस फील्ड में? गवर्नमेंट ने तो अपना कानून दे दिया है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अभी तक ये एप्लीकेबल भी नहीं हुआ है शायद। नहीं, कानून है बट चूंकि ये डिफेक्ट है कि आपकी चेयरमैन खुद ही मतलब हायर एंड फायर, हायर एंड फायर। मैंने क्या सजेशन दिया है जी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये केस आएगा हियरिंग पे, पहली बार आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप WCD मिनिस्ट्री में जाइए। मैं गई सेक्रेटरी WCD से मिली लेकिन 6 महीने बाद भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मतलब ये एजेंसीज भी जो है ना महिलाओं के अधिकारों के प्रति उदासीन है। तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताऊंगी कि आपके कहने पे मैं गई लेकिन कुछ नहीं हुआ जी, अब इसलिए मैं मजबूरी में दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ रही हूँ। और मेरा मानना है कि अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कानून है इसमें जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, जब कोई महिला को उसका चेयरमैन या मेंबर बनाया जाए जो उस कंपनी में काम करती है, तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी कमेटी नहीं मजबूत होगी न्याय कैसे मिलेगा जी। बिल्कुल, तो ये चीज मैं चाह रही हूँ और अगर सब महिलाओं ने देश की साथ दिया तो हम इस कानून में चेंज लाएंगे। नहीं आभा सिंह जी, देश की महिलाएं इतने अच्छे कॉज के लिए तो आपके साथ हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अपने ही इस सब परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और इसी सब में जब वर्क प्रोफाइल किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड किया, काम करने वाली महिला की बात आती है तो एक और समस्या आती है, महीने के 3 दिन बड़े कठिन होते हैं किसी किसी के लिए और किसी किसी के लिए सरल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब परेशानियों में जा रहे हैं, कुछ आराम से भी निकाल लेती हैं और कुछ के लिए तो बहुत कठिन होता है। उस सब के लिए क्या कोई कानून नहीं है हमारे देश में कि एक महिला अपने उन 3 दिनों में आराम से सुकून से वर्क फ्रॉम होम कर ले या कुछ उसको सुविधा मिल जाए? बिल्कुल, आप सही बात कर रही है। मैं सामने साफ साफ मेंस्ट्रुअल लीव की जो बात कर रहे हैं, जो हमारे ग्रामीण बहनें उसको मासिक धर्म बोलती हैं, तो जो मेंस्ट्रुअल लीव है उसमें अभी गवर्नमेंट का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं आया है कि आपको छुट्टी मिलेगी। हालांकि बिहार में 1992 में और बाद में केरला में 2 स्टेट्स ने
छुट्टी का प्रावधान किया है, और प्राइवेट सेक्टर में जैसे स्विगी है, जोमेटो है, इन्होंने 10 डेज का प्रोविजन किया है पेड मेंस्ट्रुअल लीव का। तो ये चीज प्राइवेट सेक्टर में फिर भी ये लोग जो है सेंसिटिव हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में अभी ये बात नहीं आई है। और बट यस, पहले तो क्या था ना, लोग छुपाते थे कि ये चीजें बात नहीं की जाएंगी, ये पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, ये शर्म की चीज है। तो माइंडसेट जो बदला कि नो, दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कल अगर आपको बच्चे माँ बनना है तो आपके लिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप माँ नहीं, बन सकते। तो मुझे लगता है कि पेड मेंस्ट्रुअल लीव, जैसे आपने अब गवर्नमेंट में 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी है, तो चाइल्ड केयर लीव से ही अगर आपके पास प्रोविजन नहीं, क्योंकि क्या होता है, आप महिलाओं को बहुत ज्यादा भी छुट्टी की अगर कर देते हैं तो लोग महिलाओं को रिक्रूट नहीं करते प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, वो ये कहते बड़ी हैं कि आएंगी अभी कुछ, मैं पढ़ रही थी कहाँ पे, उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो विमेन है तो विमेन को हम नहीं लेंगे जॉब में, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की छुट्टी लेंगी, इसकी मेटर्निटी की छुट्टी लेंगी। तो बहुत ज्यादा जैसे जापान में है मेंस्ट्रुअल लीव का प्रोविजन, बट महिलाएं वहां लेती नहीं है क्योंकि इट इज नॉट पेड। 10 दिन अनपेड लीव मिलती है मेंस्ट्रुअल। ओके, सो अगेन फाइनेंशियल कंपल्शन होता है कि भाई नौकरी आप कर रहे हैं, तो अगर आप पेड देते हैं तभी महिलाएं लेती हैं। अगर आप उसको अनपेड करेंगे तो वो नहीं लेंगे। तो फिर आप गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू सी समवेयर। तो मेरा तो कहना है कि जो चाइल्ड केयर लीव आप सब जगह देते हैं, उसी में से आप मेंस्ट्रुअल लीव करके 10 पेड लीव कर दीजिए तो शायद महिलाएं ले लेंगी। हाँ, है ना। सो यस, बिकॉज अगर मेरा अपना मानना है कि आप उसको मेडिकल में कर दीजिए, मेडिकल करके दे दीजिए, बिकॉज लॉट ऑफ वुमेन आर सेइंग कि नहीं, मेंस्ट्रुअल लीव भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह आप इस तरह कर देंगे तो फिर लोग महिलाओं को रखेंगे नहीं। जी, सो गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन अ डिसीजन, बट यस, अगर वुमेन को कुछ को बहुत पेन होता है तो आई थिंक मेडिकल लीव शुड बी गिवन टू देम, बट इट हैज टू बी पेड, क्योंकि अनपेड होगा तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आदमी नौकरी पैसे के लिए करता है। बिल्कुल, यू नो, आप एक दिन के 2000 रुपए भी मिल रहे हैं तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। बिल्कुल, और 3 दिन में तो 6000 का लॉस हो जाएगा, तो एक महिला 6000 का नुकसान केवल। तो मुझे लगता है एग्जिस्टिंग लीव में, क्योंकि 2 ईयर्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव तो बहुत ज़्यादा होती है, कॉर्पोरेट में नहीं मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलती है, बट भारत सरकार में आपको 2 ईयर्स ऑफ चाइल्ड केयर लीव जी बिल्कुल मिलती है। तो बट वी शुड बी कंसर्न अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रीज में महिलाएं काम कर रही हैं, वहाँ तो कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है जी। तो वहाँ के लिए बात करना ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा जरूरी। मैं आपसे एक प्रश्न, अगर आपकी जगह पर कोई पुरुष लॉयर बैठा होता तो ये प्रश्न मैं उनसे करती हूँ, बड़े चटकारे लेके इस बात को सुनती, मुझे बड़ा मजा आता सुनने में। लेकिन चूंकि आप सामने बैठी हैं, महिला हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न तो एक बार बनता है, कॉरपोरेट सेक्टर हो या आपकी दुनिया हो या मेरी दुनिया हो, कई जगह ऐसा महसूस होता है, इवन घर में भी सास बहू को ताने मारे जा रही है और बेटी को बचाया जा रही है, बहुत सारी कहानियाँ सुनने में आती हैं। क्या महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती हैं? बिल्कुल होती है। ये तो IAS के इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था कि क्या अ वुमन इज अ वुमन्स वर्स्ट एनिमी। देखिए ना, सास बहू जी, जो बहू जलाई भी जाती थी पहले, तो वो सास का भी हाथ होता था उसमें। जिस बहू को एक केस में हैंडल कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस का, वो बहू बताती है कि मैं जो है, मैं गुरुद्वारे में जाके खाना खाती थी, मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, अरे बाप रे, और या रात का बासी खाना देती थी। ओके, या प्रेग्नेंट थी तो मुझे सबका काम करके मेड निकाल दी गई थी कि तुम सब काम करो। तो यू नो, जब मैं केसेस महिलाओं के देखती हूँ और इस तरह की स्टोरीज पढ़ती हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वहीं वो महिला अपनी बेटी के लिए तो दूसरे स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन बहू के लिए, अरे दूसरे घर से भी जो लड़की आ रही है उसको अपनी बेटी समझो। बिल्कुल, तो आप जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होंगे उसमें, नहीं तो अदरवाइज, एक सास की जवाबदारी नहीं अपने बेटे को 2 चांटा लगाए कि तू मेरी बहू को ठीक से नहीं रखता। आज भी आए, मेरे पास एक पढ़ी लिखी महिला आई, क्लास 1 अफसर थी, बोली मैम आप क्या बात करती हैं इक्वालिटी की, मैं हस्बैंड से बहस कर रही थी, हस्बैंड भी क्लास 1 अफसर है, कह रही उसने इतना तेज झापड़ मारा कि मैंने जो कान में पहना हुआ था वो कट के नीचे गिर गया। ये महिला क्लास 1 अफसर जी, ये महाराष्ट्र की स्टोरी। ओके, तो यू नो, सो तो फिर पता चला उस माँ ने अपने बेटे को भी संस्कार नहीं दिए। हाँ, नहीं तो अगर उसने शुरू से टोका होता कि जैसे मैं जानती हूँ मेरी बहू अगर खाना बना रही होती, मैं बेटे से कहती हूँ किचन क्लीन अप तुम करोगे, इफ़ शी इज़ कुकिंग एंड सर्विंग देन, और मेरा बेटा आई एम प्राउड टू से
कि फिर मेरा बेटा जाके डिश वॉशर में बर्तन लगाता है, किचन क्लीन करता है, यू नो, बिकॉज इट शुड बी इक्वल. तो ये तो बिल्कुल, अगर सास चाहे तो बहू का जीवन बहुत अच्छा बना सकती है और अपना भी जीवन खराब होता है. ये नहीं कि सास बहू को हैरेस करती है तो सास खुश रहती है जी. दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका ही बेटा पिसता है. जो आप बात करती हैं 498A की कि आप पुरुषों को भी बचाती हैं, तो हर मैं एक बेटे की माँ भी हूँ जी. तो एक बेटे को उसका अगर हैरेसमेंट होगा ना, तो हम लोग हर तरफ से पिसते हैं जी. सो आई फील कि समय आ गया है कि एक दूसरे को एक इंडिविजुअल समझें और सबको उनका हक दे दो, यू नो, बिकॉज अगर बेटी है, बहू है. मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हर लड़की को ये कर दो. क्यों हमने ये क्यों गलत रूल्स बनाए कि बेटी पराई होती है या माँ बाप जो है बेटे के घर में रहेंगे. मैं तो कहती हूँ हर माँ बाप अपनी बेटी के घर में रहने लगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे. क्योंकि कोई बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ शिकायत नहीं करेगी. और देखिए, और अगर आप देखिए तो हर माँ बाप को किसी को देखना है. बिल्कुल. तो बस दिक्कत उनको आएगी जिनके दो बेटे होंगे. बेटों के साथ ही रहना पड़ेगा. अदरवाइज अगर हर बेटी को दे दीजिए आप ये अधिकार. ये हमारे कल्चर जो है, जो हमने एक पेट्रियार्की बनाया, वो पेट्रियार्की ही दोष में है जी. अभी मैं किसी से बात कर रही थी, वो बोले नहीं मेरी वाइफ जो है शी इज द ओनली चाइल्ड. तो मेरे पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं, सास ससुर भी साथ में रहते हैं. बढ़िया बात है. तो मेरा कहना है कि आप मिलजुल के रहिए तो आज जो इतना क्राइम हो रहा है वो भी रुक जाएगा. बिल्कुल सही बात. बिकॉज घर में कोई रहेगा, कितनी बार डिलीवरी मैन आता है, बच्चियों को रेप कर जाता है, यू नो, एक अननोन लोग घर में आते हैं. पहले नानी दादी होती थी, गर्ल्स कितनी प्रोटेक्टेड होती थी. बिल्कुल, चिंता ही नहीं रहती. चिंता ही नहीं रहती थी. तो अगर हम एक दूसरे के साथ मिल के रहे तो जीवन और खुशहाल हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं बात ऐसी आ जाती है, थोड़ी सी भारत की सभ्यता ये है कि संयुक्त परिवार हुआ करता था. कहीं ना कहीं से संयुक्त परिवार जोड़ बना के हम जोड़ के रहे तो खुश रहेंगे. बिल्कुल, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं. भले ही मैं वकील हूँ, मेरे पेशे में नुकसान होगा क्योंकि तोड़ने में ही फीस मिलती है. और तोड़ने वाली वकील आज आपसे कह रही है जुड़ के रहो, हमारे पास केसेस लेके मत आओ. बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस प्रेम से रहो, पति पत्नी मत लड़ो. उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बीच में बता दी कि आप मत लड़ो, जरूरत नहीं है लड़ने की. सास बहू को लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, सब यही छूट जाएगा. बताइए, एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं और बहुत अच्छे से एडवोकेट आवाज ही कह रही है सब यही छूट के जाना है, आगे कोई साथ और नहीं. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यू नो, विमेन शुड होल्ड हैंड्स. अगर आप सब हाथ मिलके चलेंगे ना तो बहुत लंबे जाएंगे, उसके बाद हम सब पुरुषों को पीछे छोड़ देंगे. नहीं, बिल्कुल. गवर्नमेंट सर्विस में आप देखिए सिर्फ 14% महिलाएं हैं, पार्लियामेंट में देखिए 13% महिलाएं हैं. हाँ. तो हम कहीं भी तो नहीं है. अगर हम कहते हैं आधी आबादी है तो हम आधी तो कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है. फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज है 500, उसमें 25 महिलाएं हैं बस सीईओ. मैं आपको बताऊंगी, अभी विधान भवन में मैं संचालन कर रही थी, उपराष्ट्रपति जी आए थे और मैंने वहां देखा गिन चुन के मुश्किल से 8-10 महिला विधायक थी और मंच पे 5 लोग बैठे थे जिनमें केवल एक थी माननीय नीलम गोरे मैडम, उसके अलावा कोई था ही नहीं महिलाओं में. तो मुझे भी ये कहना पड़ा, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इतनी तो मुझे यहाँ दिख रही है कम से कम, उसके अलावा तो कोई बात ही नहीं. कहा कि आपको अगर अपना वो समय पढ़ाई में लगाइए, कुछ क्रिएटिव वर्क में लगाइए तो यू विल गो फार. तो कानून तो बिल्कुल है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कानूनों का मदद ना लेना पड़े तो बहुत अच्छा है. क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही. मैडम, अब मैं थोड़ा सा ना, अभी जो लाइव न्यूज़ में बहुत सारी बातें चल रही हैं और एक नाम बहुत बार लिया जा रहा है, पूजा खेडकर जी. मुझे पर्सनली तो नहीं कहूँगी मैं, पर मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या उस महिला को कहीं ना कहीं महिला होने के कारण परेशान किया जा रहा है या क्या कहानी है इसके पीछे, चूंकि हम तो नहीं जानते इसके बारे में. बिल्कुल, देखिए पूजा खेडकर बिल्कुल इस वक्त जो है ट्रेंडिंग चल रही ट्रेंडिंग है. और महिला IAS है. हाँ. तो लोगों को और क्यूरियोसिटी है, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, ये बात स्त्री और पुरुष की नहीं है. क्योंकि आपने OBC का सर्टिफिकेट लिया है, मामला हो रही है कि सर्टिफिकेट वो फेक है, आपने उसको सही ढंग से नहीं लिया है, आपने अपने फैक्ट्स नहीं दिखाए हैं, तो
एक वो इशू आता है नॉन क्रीमी लेयर का, क्योंकि हमें जैसे IAS IPS गवर्नमेंट नौकरियां है इसमें कोटा है, 27% रिजर्वेशन OBC के लिए है और जो है बाकी SC ST के लिए है। तो OBC में भी बड़ा रूल है कि आप अगर क्लास वन या क्लास टू अफसर हैं तो आपके बच्चों को ये नॉन क्रीमी लेयर नहीं मिलेगा। इसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि 8 लाख अगर आपकी इनकम में 8 लाख प्लस आपकी सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम, तो मुश्किल से वो मुझे लगता है साल के 20 लाख 25 लाख की, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी एक फिक्स है, आप इतनी एकड़ से ज्यादा का हिसाब दे नहीं सकते। फिर आप ऑडी से चल रहे हैं, आपके फादर इलेक्शन मैनिफेस्ट अपने जो इलेक्शन का स्टेटमेंट भर रहे हैं उसमें 40 करोड़ दिखा रहे हैं, ये सब मीडिया सोर्स मीडिया से ही बातें देखी जा रही हैं। तो अब इसमें जरूरी हो गया है कि एक इंक्वायरी हो कि अब, और कोटा जो है, जो कोटा है वो मिलना चाहिए जो नीडी है जी, क्योंकि आप एक तरफ तो आप मेरिट वाले बच्चों को उनकी जगह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा नहीं सालों से इनके खिलाफ अन्याय हुआ है तो इनको हम सीट देंगे, लेकिन जब मेरा कहना है कि जब एक बार आप IAS IPS के बच्चे हो गए तो फिर आपको आप मेन स्ट्रीम में आ गए, फिर आपको कोटा नहीं मिलना चाहिए। कोटा आप जेन्युइन को दीजिए, नीडी को दीजिए। अगर आप दे रहे हैं कि किसी चपरासी के बच्चे को, किसी क्लर्क के बच्चे को, किसी सफाई कर्मचारी के बच्चे को, तो हम कहेंगे सही दे रहे हैं। लेकिन IAS IPS के बच्चों को आपने कोटा दे दिया, वो लंदन और हार्वर्ड पढ़ के आ रहे हैं और उसके बाद रिजर्वेशन में IAS अफसर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरिट का गला घोट रहे हैं आप। तो इसलिए मुझे लगता है मीडिया इंटरेस्ट हुआ है लोगों को कि मतलब ये OBC नॉन क्रीमी लेयर से आई है और ऑडी में लाइट लगा के चल रही है ट्रेनिंग में, तो ये सब चीजें जो है मुझे लगता है इंक्वायरी में सामने आएगा। बट ये कहना कि वो महिला अधिकारी है इसलिए ये केस आया है, वो इसलिए नहीं आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि वो एक ऑडी में बत्ती लगा के और उनकी मदर बंदूक दिखा के जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो आपने कानून तोड़ा है इसलिए। नहीं तो जब तक वो IAS की ट्रेनिंग कर रही थी, पूना में नहीं थी, तब तक किसी को नहीं था। बट जब आपने, और वो तो महिला थी तो शुरू से होता, लेकिन जब आपने एक किसी चीज पे जब आप एक लाछन लगा है तो आप इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगी सिर्फ इनकी नहीं, जितने लोगों को ये डिसेबिलिटी कोटा या OBC नॉन क्रीमी कोटा दिया गया है उन सब की इंक्वायरी हो, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार देता है, तहसीलदार कितने ईमानदार होते हैं। इस वक्त देश में मैं कहूंगी 98% लोग करप्ट होते हैं, 2% ईमानदार होते हैं। तो जब आप पैसे से कास्ट सर्टिफिकेट ले लोगे, पैसे से आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले लोगे, अभी आप देखिए जो जुवेनाइल एक्सीडेंट हुआ था पूना में, वहां पे तो जो जुवेनाइल का खून था, सैंपल ब्लड सैंपल जो अल्कोहल वाला था, वो डॉक्टर्स ने बदल के मदर का रख दिया, मदर का रख दिया। तो ये दिखाता है कि इस देश में पैसे का बोलबाला है, मतलब कि पैसा ही सब कुछ है, कहते हैं ना पैसा गुरु सब चेला, तो वो वही हाल हो गया है। तो फिर इसलिए जरूरी है कि हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, और स्पेशली IAS IPS जो जो अफसर करप्शन करके वो कुर्सी ले रहा है वो तो और पैसा कमाएगा जी, और वो देश का हित क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि ये इंक्वायरी सही हो रही है, अगर सच्चाई है तो इनको प्रॉपर इंक्वायरी करके IAS से निकाला जाए, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि तुम गलत ढंग से आओगे तो निकाले जाओगे। एडवोकेट आभा सिंह जी, आपको मैं इतनी देर से सुन रही हूँ, बहुत समय हो गया हमें बात करते करते, इस सब के बीच में मुझे बस एक बात समझ में आ रही है, इतनी बेबाकी से बोलते हो, इतनी बेबाकी से लड़ते हो, डर नहीं लगता? सुनिए, फादर हमेशा कहते थे कि डर के आगे जीत है, और एक चीज और कि मृत्यु और जन्म पे किसी का हाथ नहीं है, मतलब मृत्यु और जन्म जो है आपका, जब है आपका वो उसको एक ही बार, यू डाई ओनली वंस। बहुत बोल्ड फादर की बेटी हूँ, फादर मेरे प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री होल्डर थे, प्रेसिडेंट मेडल, तो कभी डर देखा नहीं घर में। और साथ में मैं जब सलमान खान का हिट एंड रन केस कर रही थी, आने वाली थी वहां पे, नो, उसमें जो था जब सलमान खान पे 5 साल की सजा मैंने सेशन कोर्ट से कराई, तो ट्विटर पे लोग कहने लगे जैसे वो क्रश करके पेवमेंट ड्वेलर मरे थे तेरा भी वही हश्र होगा। तो वो जब ट्रोलिंग हुई मेरी, तो मुझे एक बार लगा, लोगों ने कहा आप सुबह सुबह वॉक करने जाती हैं, आप वॉक करने मत जाइए। अच्छा, मैंने कहा ऐसा है जिस दिन आभा सिंह डर जाएगी ना उस दिन आसमान टूट जाएगा। क्या बात है। तो मैं अगले दिन भी वॉक करने गई,
बहुत मैंने बढ़िया कहा नथिंग डूइंग। अभी भी केतन कक्कड़ का जो एनआरआईज है उनका जो फार्म का इशू है, जी सलमान खान की बगल वाला उनका फार्म है और सलमान ने उन एनआरआईज पे केस किया हुआ है एंड आई एम द लॉयर फॉर केतन कक्कड़। और मैं मिसेस कक्कड़ के साथ पनवेल कोर्ट भी जाती हूँ, हाई कोर्ट भी जाती हूँ। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ, जी सच्चाई में विश्वास करती हूँ, न्याय में विश्वास करती हूँ, और जब मैं काला कोट पहन लेती हूँ तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ। क्या बात है, तो दूसरी तालियां इस बार। तो मेरा कवच जो है ना वो काला कोट है, क्या क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जब आपको कानून की देवी आपके साथ है तो, और इंसान से क्या डरना। मैं कहती हूँ मांगो तो भगवान से मांगो, डरो तो भगवान से डरो। भगवान का मतलब हुआ आपके कर्म। आई जी ऑलवेज सी आई एम अ गुड ह्यूमन बींग, और गुड ह्यूमन बींग की पूरी कायनात केयर करती है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आभा सिंह जी। अब मुझे क्या है, पॉडकास्ट जो है वो किसी विषय पे चल रहा था तो मुझे वापस विषय पे आना होगा, और मैं वापस विषय पे आ रही हूँ। एक और महिलाओं से जुड़ा प्रश्न आता है, कई बार सुनने में आता है, कई सखियाँ भी बात करते करते अपने मन की बात कह देती हैं, वो है मैरिटल रेप। ये कई लोगों के साथ होता है और ये बड़ा दुखद होता है कि वो उसने उस स्त्री ने उसके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है, पर कभी कभी नहीं है मन, कभी नहीं है शक्ति, कभी थक गए हैं, कभी किसी दुख में है, कभी किसी और परेशानी में है, और उस महिला को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसके लिए क्या कुछ है कानून, इसके लिए क्या कुछ है सरकार के या हमारे कानून के पास? मैरिटल रेप पे कोई कानून नहीं है, और मैरिटल रेप को मतलब महिलाएं उससे थोड़ी नाराज हो जाएंगी, बट मैं एज अ लॉयर मैरिटल रेप को सपोर्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मैरिटल रेप जो होगा वो चार दीवारी में होगा, अंदर कोई सबूत नहीं होगा, एक स्त्री और पुरुष होगा। जी स्त्री कहेगी मेरे साथ मैरिटल रेप हुआ, हाँ। पुरुष कहेगा कि नहीं मैं तो प्यार कर रहा था। हाँ। तो उसको गवाह कौन होगा? एक तो आप पे एविडेंस नहीं है, दूसरा अगर आप महिला कहती है अपनी चोट दिखाती है कि मुझे मारा पीटा, तो फिर कानून आता है कि मारने पीटने के लिए तो आईपीसी में बहुत सारी धाराएं हैं। हाँ। आप हर्ट कॉजिंग इंजरी, आप एफआईआर कर सकते हो। तीसरी चीज आएगी कि अगर आपके साथ पुरुष ऐसा कर रहा है आप उस घर में क्यों रह रहे हो? आप आओ थाने में एफआईआर लिखाओ, आप आओ कोर्ट के दरवाजे खटखटाओ। बिल्कुल। और मैरिटल रेप अगर ये कानून बिना सोचे समझे बना तो मुझे लगता है 3/4 पुरुष जेल में होंगे, जो जज है वो भी जेल में होगा, क्योंकि आज उसको समझ में नहीं आया कि मेरी पत्नी का मन वो नहीं जज था। भी तो पति ही था। पति जज भी पति है, और वो कहेगा मेरी पत्नी का मन नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं पर रेप लग गया। तो यू नो विदेशों में भी जहां मैरिटल रेप का कानून है वहां पे बहुत सक्सेस नहीं है। अच्छा। तो हम सिर्फ फेमिनिस्ट नहीं हो सकते, आई एम अ लॉयर फर्स्ट। तो आप इसको प्रूव कैसे करेंगे, आप किसकी बात मानेंगे? कि तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि अगर मैरिटल रेप पे कानून लाना है तो आप एनजीओस को इन्वॉल्व करिए, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को करिए, मेंस ऑर्गेनाइजेशन को करिए, हस्बैंड्स ऑर्गेनाइजेशन को करिए, लॉ कमीशन बैठाइए प्रॉपर इस पे जो पूरा रिसर्च करे। क्योंकि सिर्फ एक कह देना मैरिटल रेप अभी देखिए अगर आपको मैं बताऊं कि 377 एक गुना है अननेचुरल सेक्स का, जिसमें 10 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट का कानून है, और कई डिवोर्स केसेस में जी विमेन जो है 377 अपने हस्बैंड पे लगा देती हैं। अच्छा। अब 377 पे एक केस में अभी फैमिली कोर्ट में हैंडल कर रही हूँ जहाँ पे वाइफ ने, 2 बच्चे हैं उनको, 12 साल और 9 साल के बच्चे हैं, लेकिन वाइफ ने हस्बैंड पे 377 लगा दिया, एफआईआर हो गई। हस्बैंड कहता है मैडम किस मुंह से मैं अपने बच्चों के सामने जाऊं? सच बात है। और आज इसीलिए जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है इसमें 377 का कानूनी खत्म कर दिया गया, बोला गया है कि मैरिज में 377 नहीं लगाया जाएगा। मेरे पास 8 साल पहले एक महिला आई थी बड़ी रिनाउंड बॉलीवुड की, जी। उसने भी अपने पति पे 377 लगाया था। मैंने उससे कहा तुम उसके बेटे की माँ हो जी, और तुम्हें लगता है 377 लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा ये केस मैं नहीं लूंगी, मैंने नहीं लिया वो केस, मुझे फीस कितनी मिलती मैं जानती हूँ जी, लेकिन मैंने नहीं लिया, और दूसरे लॉयर ने लिया होगा, दैट इज हिज कॉलिंग। बट आई ऑलवेज फेल्ट कि 377 इज मिसयूज्ड, एंड आई एम हैप्पी कि इस नए कानून में कोर्ट ने कह दिया कि 377 इज नॉट एन ऑफेंस इन मैरिज इफ द वाइफ इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। क्या बात है। हाँ, तो 377 आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं
आई निकालिए और पढ़िए क्या होता है। और आप शादी के 10 साल बाद आपको डिवोर्स चाहिए वो करना है तो आप 377 लगा दस दोगे। साल के बाद थ्री हाँ, सेवेंटी तो ये सेवन थ्री सेवेंटी सेवन का जो मिसयूज, तो हम कितने पुरुष इन सब केसेस में परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने हाँ बच्चों को चेहरा नहीं दे हाँ सका सकते, माँ बाप को चेहरा नहीं हाँ दिखा हाँ सकते, हाँ समाज में हाँ खड़े क्या तो करें। 377 खत्म हुआ। मेरा तो ये भी कहना है, एक और कानून मैं चाहती हूँ जो समाप्त हो, वो है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके सेक्सुअल रिलेशनशिप करना। ये थ्री हाँ सेवेंटी हाँ फाइव में एक यस डेफिनेशन जो 376 जी की है कि जी मतलब आप 5 साल से आपका रेप हो रहा है, हाँ एक्चुअली यू नो यू से अब सुप्रीम कोर्ट ने कितने केसेस में कहा है कि यू आर एन एडल्ट वुमन, यू ऑल्सो एंजॉय सेक्स, आप दोनों कंसेंट से कर रहे हो ना, जी बिल्कुल तो आप ये कहिए, आप बोली नहीं इसने मुझे शादी प्रॉमिस की थी इसलिए मैंने फिजिकल रिलेशन किया, अब ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है तो ये तो रेप हो गया। तो मैं इस पे चाहती हूँ कि अगला केस मैं ये सुप्रीम कोर्ट में डालूँ कि ये सेक्शन खत्म किया जाए। अगर कोई अंडर एज बच्ची है उसके साथ करता है, मैं उसको वो रेप गलत है। मानूंगी, जी बिल्कुल बट अगर कोई फीमेल एडल्ट है और वो कंसेंसुअल है, आज की परमिसिव सोसाइटी में तो लड़कियां 16-17 साल में फिजिकल रिलेशन रखती हैं, बिल्कुल, आजकल तो वो तो ट्रेंड में भी है हम हाँ। लोगों के अब आप ऐसे। ये देखिए एक चीज और जो हो रहा है कि अगर आपने सेक्स विद अ माइनर किया तो वो रेप है। बिल्कुल कितने बच्चे मेरे पास 17 साल 6 महीने 8 महीने के मैटर्स आते हैं कि वो स्कूल में है, दे गेट दे टीनेज अफेयर जो बोलते हैं, और हाँ फिर वो बच्चों पे रेपिस का टैग लगा के उनको चाइल्ड होम में डाल देते हैं जहां पे उनको सोडोमाइज किया जाता है, जहां उनको परेशान किया जाता है। तो कानून में ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हटाना चाहिए, जी सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट। तो ये जो आप मैरिटल रेप की बात कह रही हो उससे ये और भी रेप आ गए, तो रेप के कानून में अब थोड़े चेंजेस आने चाहिए। ताकि अगर एक महिला की सुरक्षा का ध्यान रखना है तो एक पुरुष की सुरक्षा का भी बिल्कुल ध्यान रखना है, उसके उसके मानसिक संतुलन का तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। रखना है। कितने लोग अब देखिए, जैसे अब आपने कर दिया, आपने फांसी की सजा गैंगरेप में कर दी, आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा रेप में कर दी, तो जी फिर वो दैट रेप शुड बी डन बाय एन अननोन पर्सन बाय इन अ वायलेंट मैनर, यू नो, जी बट आप नोन के साथ जा रहे हैं, आप रह रहे हैं और बाद में आप उस पर रेप का चार्ज रेप का लगा चार्ज रहे हैं। तो आई फील लॉ हैज टू बी फेयर, ओनली वेन लॉ इज फेयर तभी सबको जस्टिस मिलेगी। एक चीज में कानून की देवी की आंख बंधे हुए हैं, जी, इसलिए है कि वो किसी को देखती नहीं है, सबको संभाव ये से सबको देखते हैं। समान। तो पुरुष वर्ग को भी आप उसका न्याय दीजिए, बट यस विमेन रिक्वायर मोर प्रोटेक्शन, एंड शायद डेफिनेटली इसीलिए मैं महिलाओं के लिए लड़ती हूँ। लेकिन आज जब इस तरह का मैं देखती हूँ कि दुरुपयोग कानून का हो रहा है, तो मैं कोई केस लेने से पहले 3 बार देखती हूँ हाँ कि मैं सही केस ले रही हूँ, कहीं जी ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसा केस ले लूँ जिसमें दूसरी पार्टी पे अन्याय हो रहा है, जी क्योंकि मैं एंड ऑफ द डे आई कॉल माई सेल्फ एन एक्टिविस्ट लॉयर। जी तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अगर आप जैसा सोच के बाकी वकील बाकी लॉयर्स भी करने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, एक केस शायद आपकी टेबल पे बैठे बैठे ही बिल्कुल, सॉल्व हो वी ऑल जाएगा। ट्राई कि मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आदमी दोनों जी पार्टीज, जी एटलीस्ट इन मैरिज फैमिली लॉज, फैमिली लॉज, में यस यस हाँ, यस क्योंकि एंड ऑफ द डे पिसते बच्चे हैं, बच्चे तो माँ बिल्कुल बाप दोनों को प्यार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज मस्ट, हस्बैंड वाइफ के क्लेम नहीं देखे जाएंगे, कहते हैं कोर्ट जो है वो माँ बाप है, अरे वाह ये कानून में लिखा है कि क्या कोर्ट माँ बाप है ऐसे बच्चों का, जी, तो कोर्ट को वो डिसीजन लेना है जो माँ बाप को लेना है। तो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाकी तो अपनी जिंदगी एक तरह से कहा जाए तो माता पिता तो अपनी एक जिंदगी जी चुके हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पूरी जिंदगी इस चीज में स्पॉइल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम सबका भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर छोटी मोटी बात है तो उसे अब आपस में ही सुलझा ले, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत खूबसूरती से जिंदगी बिल्कुल चली जाएगी, गुजर बिल्कुल जाएगी, निकल जाएगी। अब अजी एक बात और, अभी बहुत सारे आपने रेप शब्द का प्रयोग किया, आपने विमेंस के लिए शब्द का प्रयोग किया, कई बार न्यूज़पेपर पलटते हैं सुबह सुबह, आज यहाँ जी इसका ऐसा नहीं है कि शायद आपकी जनरेशन में भी ये होता था, हमारी जनरेशन में भी होता था और अभी की जनरेशन में भी हो रहा है कि एक लड़की जब किसी गली से निकल रही है तो उसे छेड़ने वाले लोग भी हैं, कॉलेज में वो जब वो पढ़ रही है और शायद उसने टॉप छोटा पहना है और वो थोड़ा सा ऊपर हो गया है तो उसकी उतनी सी कमर को झांक के देखने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम बहुत जगह इनसिक्योर हो जाते हैं, हमें ध्यान देना पड़ता है कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये इनसिक्योरिटी एक वुमन में बहुत ज़्यादा होती है।
तो ये चीज़ हमारे देश में कई जगह देखी जाती है कि वुमेन्स आर नॉट दैट मच सिक्योर. इतने सारे लॉज ला के रखे हैं जिनको शायद आम आदमी जानता भी नहीं है, जिसको शायद पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वुमेन इनसिक्योर है, ये कहीं ना कहीं पेपर पढ़ के समझ में आता है. तो आप इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों से उबर सकते हैं, कैसे देश उबर सकता है? नहीं देखिए, ये तो आई अग्री विद यू. मैं हमेशा कहती हूँ पब्लिक स्पेसेस शुड बी सेफ, रोड्स शुड बी सेफ. अगर हम रात में निकल रहे हैं तो हमें ये टेंशन नहीं हो कि हम घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे. और जो बात आप कह रही हैं इसको स्टॉकिंग बोलते हैं. और जब हमारा क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आया निर्भया के केस के बाद जी, इंडिया में पहली बार स्टॉकिंग वॉज मेड एन ऑफेंस. Yes. मतलब अगर आप किसी लड़की को फॉलो करेंगे, सीटी बजाएंगे, तो वो एक गुनाह होगा. और उससे पहले ये गुनाह था ही नहीं. और जब ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ तो एक एमपी कहते हैं अरे आप तो कॉलेज का रोमांस खत्म कर देंगे, लड़कियों को रिक्शे में पीछे चेज करना तो एक यू नो ये पुरुष मानसिकता थी. तो अगर आपको महिलाओं को जो अगर उनका टॉप छोटा है, उनका वो दिख रहा है, तो आपको पुरुष मानसिकता पे पहले वो करना होगा. तो अगेन वहीं लौट के हम आगे कि माँ जब अपने बेटे को सिखाएगी कि लड़कियों को रिस्पेक्ट करो, देन इट विल चेंज. प्लस उसके साथ साथ लॉ हैज़ टू बी वेरी फेयर. क्योंकि मैंने देखा है कि जो वीआईपी कल्चर होता है, अगर भाई बाप नेता है, बाप बड़े बाप का बेटा है, तो वो छेड़ेगा भी, रेप भी करेगा, वो छूट जाएगा. तो करप्शन आ गया वहाँ पे. तो अगर आपका जो ट्रायल है, केसेस हैं, कितनी जगह रेप विक्टिम जो है अपने बाद में मुकर जाती हैं, या विटनेस जो है वो हट जाते हैं, वो बताते नहीं है कि मतलब वो बताने को नहीं तैयार है कि हाँ हमने ये क्राइम होते देखा है. या फिर कहीं लड़की के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, लोग आगे नहीं आते मदद करने, क्योंकि को मालूम है कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो इतनी स्ट्रांग है, कल हम पे दबाव डालेगी, हमको मरवा भी सकती है. यूपी वगैरह में, बिहार उधर देखिए तो एसिड अटैक हो जाता है. जो लड़कियां अब लड़कों को ना बोल देती हैं तो उनको ऊपर कहते हैं अच्छा तुम्हें अपनी खूबसूरती का गुमान है, उस पे एसिड फेंक देते हैं. तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है कि पुलिस ईमानदारी से काम करे. हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर कोई गुनाह हुआ है तो आप उसको 3 महीने में, हम कहते हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सालों चलता है. तो आप टाइम बाउंड करिए कि 3 महीने में हम ये केस का सोल्यूशन निकालेंगे. जो चाहे वो बड़े बाप का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर गुनाह किया है तो उसको सजा मिलेगी. तो अगर हमारे में ट्रांसपेरेंसी आ जाए कानून में, अगर आपने जो गुनाह किया है तो आपको सजा मिलेगी, और हम अपनी मानसिकता को बदलें, तब मुझे लगता है कि हमारी बेटियां जो है बेधड़क कहीं भी रात में जा सकती है. आज तो मैं क्यों बोलूं, हम लोग एज मदर्स खुद वरेड हो जाते हैं, खुद भी वरेड होते हैं कि रात में जा रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर कहीं कुछ कर ना दे, यू नो एक मन में डर है. बिल्कुल सही बात है, मन में जो खौफ है, और तो उसको निकालने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा. बस समय लगेगा, पर होप कर सकते हैं, एक आशा रख सकते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. मैंने अभी एक मेरे एक मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत, वो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मैंने तो अपनी पत्नी जो कि फुल पजामे में घर में रहती थी, मैंने उससे कहा तू शॉर्ट्स पहन के घर में रह. तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों कहा उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं दिखाना चाहता था मेरे बेटे को कि इन टांगों में कुछ नहीं होता, दीज आर द नॉर्मल, तुम्हारी माँ की टांग है या उस लड़की की टांग है, सब नॉर्मल है, कुछ स्पेशल नहीं है. और ऐसा करके मैंने मेरे बेटे को आदत डाली, कई चीज़ें बताई कि क्या सही है क्या गलत है. करते करते आज उनका बेटा बहुत अच्छा स्विमर, और सारी लड़कियों के साथ बढ़िया स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में जाता है, जीतता है, और देश का नाम रोशन कर रहा है. तो मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस चीज़ में बन जाती है. आप बहुत स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से आंसर दे रही हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करने में. मुझे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट अच्छा चल सकता है. और एक प्रश्न मेरे मन में बस आ रहा है, वो ये है कि मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, रिसर्च की, और आभा सिंह ये नाम जब गूगल पे मैं खोजने के लिए गई, तो मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली कि शायद मैं आपके साथ अगर मैं पॉडकास्ट करने बैठूं तो 6-7 पॉडकास्ट हम ऐसे ही बना के रख देंगे. पर उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली, वो था चाइल्ड सेफ्टी. आप उसके लिए भी, जब एक माँ की सेफ्टी कर रहे हैं तो उसके बच्चे की सेफ्टी के लिए भी आप बहुत सारे काम कर रही हैं. तो थोड़ा सा अगर कुछ उसके बारे में आप प्रकाश डाल सके तो बहुत अच्छा रहेगा. बिल्कुल, देखिए जब मैं JNU में पढ़ रही थी तो मुझे जब टॉपिक लेना था रिसर्च का, तो मैंने चाइल्ड राइट्स पे लिया. okay. क्योंकि एक तो उस वक्त तो हम अलीगढ़ में थे, और वहाँ पे लॉक इंडस्ट्री में
कितने बच्चे काम करते थे, फिर बनारस में भी, भदोही में। तो एक तो मेरा एंगल ये था कि बच्चों को जो है, माइनर बच्चों को, या आप ढाबों पे देखिए बच्चे काम करते रहते हैं। सो आई वांटेड टू रीड अबाउट देयर राइट्स एंड टेक अप दिस इशू कि भाई बच्चों को जगह पढ़ने की है, दे शुड बी इन स्कूल्स। जी, और मैं खुश हूँ कि आज जो जिस तरह से सरकार ने किया है, मिड डे मील का कॉन्सेप्ट किया है, तो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फ्री एजुकेशन कर दी है, तो बच्चे जो है अप टू 14 एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री कर दी है। तो एक तो मेरा वो था, दूसरा था सेफ्टी का कि लॉज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। जी, क्योंकि बच्चे तो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो तो आप देखिए ना आजकल जो बच्चे ऑर्फनेजेस में है, कितने क्राइम उनके प्रति होते हैं। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि चिल्ड्रन के प्रति हमारी जवाबदारी कहीं ज़्यादा है, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है। इसीलिए मैं जो टीनेज रेप केसेस जो कर रहे हैं उस पर भी मैं चाहती हूँ कि भाई कानून दूसरा आए, कि मतलब अगर बच्चे जो है, अगर उनका फ्रेंडशिप है और फ्रेंडशिप पे वो इलोप कर जा रहे हैं, तो उसको डोंट ट्रीट देम एज रेपिस्ट। सो दैट वाज द रीज़न मैंने एमफिल मेरी चाइल्ड राइट्स पे थी, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में क्या है। और साथ ही साथ बच्चों को जैसे कितने बच्चे किडनैप हो जाते हैं, मैंने अभी एक मिसिंग चिल्ड्रन पे पीआईएल डाली हुई है हाई कोर्ट में। तो आप मानेंगे नहीं, जितनी ये जो छोटी लड़कियां आती हैं जो यहाँ प्रोस्टिट्यूशन में है, वो सब नेपाल, वेस्ट बंगाल उस तरफ से आती हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दीज गर्ल्स गेट डाउन एट कुर्ला टर्मिनस। तो मैं ये चीज़ कोर्ट में लाई हूँ कि हम जब ये बच्चे छोटी लड़कियाँ स्कूल गांव से या वहाँ से लाई जाती हैं, तो आप वहाँ के पंचायत में रजिस्ट्रेशन करिए ना कि बच्चियाँ कहाँ गईं। अगर पेरेंट्स भी इन छोटी बच्चियों को घर में काम करने के लिए भेज रहे हैं, तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम जाने ये बच्चियाँ कहाँ गई। जी बिल्कुल। तो ये जो मिसिंग चिल्ड्रन की है, क्योंकि वो कहेंगे वो गायब हो गई, कहीं चली गई, तो इस पे भी जो है ये पीआईएल मेरी हाईकोर्ट में है। और ये मैंने डाली थी जब एस्थर का केस हुआ था। एस्थर आपको याद होगा, शी वॉज वर्किंग विद TCS और वो कुर्ला टर्मिनस पे उतरी थी, और उसको जो टैक्सी ड्राइवर ले गया, उसी ने उसको रेप करके विक्रोली के सैंड सॉल्ट पैंस में फेंक दिया था। और जब उसके अंकल FIR करने गए, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कुर्ला रेलवे स्टेशन के कि अरे वो कहीं रास्ते में बॉयफ्रेंड के साथ उतर गई होगी। हाँ, और 3 दिन उसमें चली गए। तो मैंने तब ये PIL डाली मिसिंग चिल्ड्रन की, कि कहीं से भी कोई बच्ची चले, और उसके बाद देखिए जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आया, कि आप ये नहीं कहेंगे कि जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ पे FIR लिखो। और मैं खुश हूँ कि जो नया कानून आया उसमें न सिर्फ बच्चियों के लिए बट फॉर एवरीवन जीरो FIR हैज गॉट इन, कि आप जाएंगे पुलिस को तुरंत FIR लेनी पड़ेगी। तो ये एस्थर की बात जो मिसिंग चिल्ड्रन था, मुझे था कि ये बच्चे भोले हैं, इनको मालूम नहीं है, कभी चाची लेके जा रही है, आंटी लेके जा रही है, जो रेड लाइट एरिया में बच्चियां आती हैं ऐसी वो गांव से या गरीब घरों से लाई जाती हैं, या जो घरों में काम कर रही हैं। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट एंड दैट इज़ वाई चाइल्ड राइट्स हैव बीन, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर बच्चे स्ट्रांग होंगे, बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे, तो देश भी और स्ट्रांग होगा एंड दे आर आर फ्यूचर। तो शायद इसीलिए बच्चों की एजुकेशन, अगर आप उनको, जो मैं चाहती हूँ कि फैमिलीज भी ना लड़े, सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि चाइल्ड माइंड इज मोस्ट टेंडर। तो अगर टेंडर माइंड्स को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे जी, तो वी विल बी अ स्ट्रांग कंट्री एंड अ स्ट्रांग फैमिली। क्या बात, बहुत खूब बाबा जी, आप कितना कुछ कर रही हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आप कुछ ना कुछ किए जा रही हैं। और आपकी लाइफ सच में बहुत इंस्पायरिंग है कि हम सब जो आप कर रही हैं, हम उतना नहीं कर सकते, हम सभी उतना नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा करके अपनी ज़िंदगी को भी आभा जी जैसा आभाफुल बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी बना सकते हैं। और आप जो दे रही हैं उसके लिए समाज आपको बहुत 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 धन्यवाद देता है, क्योंकि आप बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, परिवारों को जोड़ने के लिए भी, टूटने से बचाने के लिए भी, कई जगह पे कॉरपोरेट्स में भी, समाज में भी, सरकार में भी, कानून में भी, सब कुछ में आपकी तरफ से मदद मिल रही है। इसके लिए हम सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये तो देखिए ना, सरकारी लोग आज 10 लाख लोग IAS का एग्जाम देते हैं, और वो नौकरी मैंने छोड़ी थी, आज भी मैं सर्विस में होती, तो जब मैं इतनी बड़ी चीज छोड़ के आई हूँ, तो मुझे लगता है आई शुड डू मोर। क्या बात। सो दैट इज वॉट मेक्स मी गो। एंड येस, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स। मेरी मदर का नाम तारा था, तो मैं तारा की आभा हूँ। और आपने जो बोला बहादुरी का, फादर का नाम था रण बहादुर सिंह। क्या बात है। तो देखिए ना, तो वो रण में जो बहादुरी है वो पिता से आई। बिल्कुल। तो ये माँ बाप, और ऊपर से आप राजपूत हैं, तो क्षत्रिय आभा तो खून बनना ही है। नहीं, माँ बाप के जो संस्कार थे ना, फादर कहते थे अपने लिए जिए तो क्या जिए,
तो बहुत खूबसूरत गाना है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जो है ना, तो वो मैं तो कहूँगी माँ बाप, और हर बचाऊंगी हर बच्चे को ऐसे माँ बाप मिले जैसे माँ बाप मुझे मिले, जिन्होंने कभी दो आंख नहीं किया। अगर बेटे को जेएनयू पढ़ने भेजा तो मुझे भी भेजा, हम दोनों भाई बहन साथ में जेएनयू पढ़ने गए। जी जी, तो वो समानता जो मुझे घर में मिली, लखनऊ में मैंने 3 स्कूल बदले जब तक मैं लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ने नहीं पहुंच गई। माँ ने कहा मेरी बेटी बेस्ट स्कूल में पढ़ेगी, क्या बात। तो जो बेस्ट एजुकेशन दी, बेस्ट यूनिवर्सिटी भेजा, तो वही एजुकेशन है जी जो आज आभा को आभा बनाता है। क्या बात है मैडम, बहुत खूबसूरत बात है। बस आपके लिए आखिरी लाइन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आप कभी नहीं हारेगी, ये हमें पता है, विश्वास है। थैंक यू, ये तो बिल्कुल मैं यही चाहूंगी, मुझे हार अच्छी भी नहीं लगती। आज ही वॉक करते वक्त सुबह हस्बैंड कह रहे थे, तुम्हारा काम है सिर्फ केस को ठीक से प्रेजेंट करना, ये कहाँ लिखा है कि तुमको जीत के लाना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हार नहीं अच्छी लगती, बिकॉज मेरे क्लाइंट जो लोग जिनके लिए मैं लड़ रही होती हूँ उनके चेहरे उतर जाते हैं। तो आपने बहुत सबसे सही चीज मुझे दी है कि जो है कि मैं कभी हारूं ना। नहीं, ये प्रार्थना है मेरी सहेली पत्रिका के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक सुनने देखने पढ़ने वाले की तरफ से, आप कभी ना हारे, ये प्रार्थना हम ईश्वर से करेंगे। थैंक यू, ये तो मैं बहुत दिल से लगा के जा रही हूँ, मेरी सहेली के जितने लोग देख भी रहे हैं और आप लोग सब हमारी सहेलियां हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच आभा जी हमारे लिए यहाँ तक आने के लिए, इतना समय देने के लिए। और सच में आज के पॉडकास्ट में आपने लोगों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो उनके जीवन में काम आएंगी, बहुत सारे सेक्शंस आपने बहुत अच्छे बताए हैं जो कि उनके जीवन में वो उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ कहूँगी, कुछ भी करिए, जैसे आप भी इतने जज्बात से इतना इंटरव्यू ले रही हैं इतने अच्छे से, तो जो चीज़ यहाँ से करेंगे वो बहुत अच्छी होगी। थैंक यू, दिल से करिए। बहुत धन्यवाद, मेरी सहेली पत्रिका के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से आभार, प्रणाम, नमस्कार।